नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है मर्द। आज हमेशा की तरह ट्रेन में कम भीड़ थी। पुष्पा ने खाली जगह पर अपना ऑफिस बैग रखा और खुद बगल में बैठ गई। पूरे डिब्बे में कुछ मर्दों के अलावा सिर्फ पुष्पा ही थी। रात का समय था। सब उन्निंदे से सीट पर टेक लगाए या तो बतिया रहे थे या ऊंग रहे थे। अचानक डिब्बे में तीन चार तुत्ती लिंगित तालियां बजाते हुए पहुंचे और मर्दों से 5-10 रुपये वसूलने लगे। कुछ ने चुपचाप दे दिया और कुछ उनिंदे से बड़बड़ाने लगे, क्या मौसी, रात को तो छोड़ दिया करो, यह हफ्ता वसूली। वह सभी पुष्पा की तरफ रख न करते हुए सीधा आगे बढ़ गए। फिर ट्रेन कुछ देर रुकी और कुछ लड़के चले फिर दौड़ ली आगे की ओर। पुष्पा की मंजिल अभी 1 घंटे के फासले पर थी। वे 4-5 लड़के पुष्पा के नजदीक खड़े हो गए और उनमें से एक ने नीचे से ऊपर तक पुष्पा को ललचाया नजरों से देखा और बोला, मैडम अपना यह बैग तो उठा लो, सीट बैठने के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं। साथ ही लड़कों ने विभत्स हंसी से उसका साथ दिया। पुष्पा ने अपना बैग उठाया और सीट पर सिमट कर बैठ गई। वे सारे लड़के पुष्पा के बगल में आकर बैठ गए। पुष्पा ने कतरा नजरों से सामने बैठे बेतर पुरुष की ओर देखा, पर वे ऐसा जाहिर करने लगे मानो पुष्पा को कोई अस्तित्व ही ना हो। तभी पास बैठे लड़के ने पुष्पा की बाह पर अपनी उंगली फेरी तो बाकी लड़कों ने फिर उसकी विभत्स हंसी से उसका उत्साहवर्धन किया। जो मिस्टर, थोड़ा तमीज में रहिए। पुष्पा सीट में उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, डिब्बे के सभी मर्द अब भी अपनी अपनी मोबाइल में विचरण कर रहे थे। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। अरे अरे मैडम तो गुस्से हो गई। अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी और हमारी मंजिल अभी दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। कथई दांतों वाला लड़का पुष्पा का हाथ पकड़ कर बोला, डिब्बे की सारी सीटों पर मानो पत्थर की मूर्तियां विराजमान थी। तभी अरे तू क्या मनोरंजन करेगा, हम करते है तेरा मनोरंजन। शबाना उठ रहे लहंगा ले, इस चिकने को लहंगे में बड़ी जवानी चली है इसे। हाय हाय मुंह तो देखो, सुअरों का कुतिया भी ना चाहते, उनके बदन में बड़ी मस्ती चली है। अरे वो भूली उतारो उनके कपड़े, पूरी मस्ती निकाल लेते है इन कमीनों की। जूली नाम का भयंकर डिल डॉल वाला तृतीय लिंगी जब उनके लड़कों की तरफ बढ़ा तो सभी लड़के डिब्बे में दरवाजे की ओर भाग निकले और धीमे चलती ट्रेन से बाहर कूद पड़े। पुष्पा की भिंगी आंख ने अपनी सुरक्षा करने के लिए सिर झुका कर उन सभी तृतीय लिंगियों का अभिवादन किया और फिर नजर जब डिब्बे के कथित मर्दों की तरफ पड़े जो अपनी आंखों झुकाए अपनी मोबाइल में व्यस्त थे और असली मर्द तालियां बजाते आगे की ओर बढ़ गए। कौन है असली मर्द? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।